नमस्कार, शुभ प्रभातम। आज हम कृष्ण नगर सेंटर पार्क के सामने लाल क्वार्टर में एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ एक विलक्षण प्रतिभा के धनी एक संत पुरुष, इन्हें दिल्ली का रामदेव भी कहते हैं, ये हैं साजन जी। साजन जूस सेंटर, जहाँ 16 जड़ी बूटियों का जूस सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मिलता है, और सुबह 6 बजे से ही इसी प्रकार से आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा, युवतियाँ यहाँ आते हैं, और साजन जी अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त, बहुत ही मस्तमोला और बहुत ही प्रेम से सबसे बात करने वाले। गुस्सा तब होते हैं जब इनके काम में कुछ डिस्टर्बेंस कोई डाले। इनका कहना है, शांत खड़े हो जाओ, मैं आपकी सेवा आयुर्वेद के द्वारा पिछले 13-14 वर्षों से, ये देखिए रामदेव जी का ये त्रिफला चून भी इसमें मिला रहे हैं, और ये देखिए अर्जुन की छाल का रस जो इन्होंने डाला है, इसके साथ में चरेता का भी इसमें डालते हैं। और किस प्रकार से लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है सारा, 10 रुपये और 20 रुपये में मात्र। ये देखिए जी, ये चरेता का पानी है, ये इसको घर से ही तैयार करके लाते हैं, और सबके हाथ में खाली गिलास, जिनसे पैसे ले लिए और उस गिलास को भर के, कुछ लोग फिल्टर करके पीते हैं, और अधिकतर लोग कहते हैं कि बिना छाना हुआ ही हमें दे दीजिए। और ये देखिए उसके बाद इसमें तुलसी अर्क, उनका सपुत्र जो है वो सबके गिलास में तुलसी अर्क भी डाल रहा है, और ये सभी अपनी वारी का इंतज़ार करके और इसको ग्रहण कर रहे हैं। सब आयुर्वेद को किस प्रकार से अपना रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना रहे हैं, ये सभी जड़ी बूटियां हैं, और ये सब उपलब्ध हैं हमें, हम इन्हें भूल चुके हैं। और देखिए किस प्रकार से सभी उसे ग्रहण कर रहे हैं और उस पर तुलसी अर्क डाल रहे हैं उनका सुपुत्र। 16 जड़ी बूटियां और निरंतर मिक्सर जो है ये चल रहा है, कुछ को छान के दे रहे हैं। ये देखिए जी, एक साथ सबको दिया जाता है, और जैसे ही ये लोग जाते हैं इनके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं, और फिर उनकी इंतज़ार आरंभ हो जाती है। लाइव आपके सामने सब कुछ बन रहा है, आंवला है, करेला है, ये देखिए जी वीट ग्रास, ये सब इन्हें एकत्र करनी पड़ती है। कुछ इनको होम डिलीवरी हो जाती है, कुछ बाज़ार में जाकर ये खरीदते हैं, दिन भर इसी में जुटे रहते हैं। ये देखिए जी कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ, एक सेकंड के लिए भी इनका हाथ नहीं रुकता है, और आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए और अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपका कहना है कि हमें कुछ भी करने से पहले अच्छा इंसान बनना है, बिना किसी का विरोध किए सबसे एक ही बात करते हैं कि आप अच्छे इंसान बने। आप किसी न किसी रूप से मानवता की सेवा करें, ईश्वर ने जो आपको
जड़ी बूटियाँ प्रकृति के माध्यम से दी हैं उनको अपनाएं, पांच तत्वों से जुड़े रहें, धरती से जुड़े रहें, सुबह उठकर सैर करें, भोजन को चबा चबा कर खाएं और पानी को बैठकर उकड़ू बैठकर पिएं। ये सबको साथ में समझाते भी रहते हैं। ये देखिए जी किस प्रकार से अभी भी निरंतर 6 मिनट होने को आए हैं और लगातार 1 सेकंड के लिए भी कोई रुका नहीं है। अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे, उसके लिए इन्होंने बोला है कि आप 9:30 बजे के बाद आइए, फिर हम बातचीत करेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार से सेवा में लग्न हैं, नियमित रूप से कभी छुट्टी नहीं करते हैं। कहते हैं कि जैसे हृदय छुट्टी नहीं करता है, हमारी पलकें छुट्टी नहीं करती हैं, उसी प्रकार से सांस लेना हम बंद नहीं करते हैं, हम भी उस प्रकार से छुट्टी नहीं करेंगे। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, हम जल्द ही इनसे आज ही बातचीत करेंगे। चलिए जी मिलते हैं जल्द ही। चलिए जी अब मैं वापस आया हूँ, क्योंकि उस समय बहुत व्यस्त थे आप, और उसके बाद आज हम पूरी बातचीत करेंगे। ये विशेष ये देखिए जी अभी तक आवागमन जारी है, मैं आपको जल्द ही इसके बारे में पूरी जानकारी जो दी जाएगी। इनका देने का अंदाज, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन गुस्सा भी आता है क्योंकि लोग बहुत दुखी करते हैं। जी नमस्कार जी, नमस्कार। आपका पूरा नाम क्या? मैं वैसे यही नाम से ही तो लेना देना रहे ना, ये साजन जूस सेंटर के नाम से मशहूर है जी, और हम दूर दूर तक साजन के नाम से मशहूर हैं। क्या बात है। तो नाम से क्या लेना, मैं दिखाता हूँ काम। क्या अक्सर लोग नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ही जीते हैं जी, जी। कि नाम मेरा इतिहास में लिखा जाए, लेकिन वो ये नहीं देखते है कि प्रभु ने भेजा है तुम्हें नाम पत्थर पे खुदवाने नहीं, कुछ कल्याण करने हेतु। बिल्कुल, जिसमें नाम ना हो, नाम उसके खाते में। हाँ जी, नाम उसके खाते में हो, यहाँ के खाते में कोई नाम नहीं होना चाहिए जी, जी। और अगर हम यहाँ के खाते में नाम रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम मतलबी, और मतलबी संसार को हमने बना रखा है। हम लेन देन ऐसे करप्शन तरीके से करते हैं जिसमें हम प्रेम को पैरों तरह कुचल देते हैं। क्या बात है। और लेते हैं हम जिम्मेदारी कि मैं प्रेमी, मैं तेरा प्रेमी, और हम एक दूसरे के भीख के सहारे जीने की तमन्ना रखते हैं। अब जीने का अंदाज है कि अकेला आए हैं तो अकेला जाना है, लेकिन हम किसी न किसी सहारे व्यस्त हैं। मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं, कोई शराब के बिना नहीं जी पाएंगे, कोई सिगरेट के बिना नहीं जी पाएंगे। अब ये एक्टिविटी तो मैं बाके पेट से लाया नहीं, आदतें यहाँ लगाई गई है, और इस आदत को लगाने में ये सारा समाज, ये माँ बाप और ये शिक्षक सभी शामिल है, सभी दोषी हैं। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिर अब होगा क्या, क्या यही विकास है कि सिर्फ एक अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दो चार अक्षर बोलना सीख जाना, दो चार किताबें पढ़ लेना, क्या यही ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि? हम भारत भूमि में श्रेय ही मुझे मिला है कि जीवन प्रभु ने मुझे इसीलिए दिया जो मैं उत्थान कर सकूं। जी। वो कुत्ते बिल्ली वो पशु पंछी नहीं कर सकते हैं, वो एक व्यवस्थित व्यवस्था पे हैं, लेकिन हम मनुष्य बने जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य योनी चाहिए, और जब मुझे मिली तो मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हर जगह ढोंगी पाखंडियों का रोल अपना रहा हूँ, मैं हर जगह बेईमानी के तरीके से जीने का अंदाज अपना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पड़ोसी से बड़ा मकान हो जाए तो फिर मेरी कुछ बात बनती, मैं सोचता हूँ कि पार्लियामेंट तक पहुँच जाऊँ तो मेरी कोई बात बनती, मैं सोचता हूँ डॉक्टर हो जाऊँ, इंजीनियर हो जाऊँ, कलेक्टर हो जाऊँ, ऐसे कितने हुए और मिट्टी में चले गए।
लेकिन कोई बुद्ध हो जाए, कोई महावीर हो जाए, कोई नानक हो जाए, कोई रैदास हो जाए, कोई कबीर हो जाए, कोई मोहम्मद हो जाए, तो बात बनती। लेकिन यहाँ तो हम किसको क्या बना रहे हैं, वो जो कि कोई काम के नहीं। बेईमानी पहले या बेईमानी बाद में, अगर भाई इंजीनियर ही बनाना है तो पहले एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छे आदमी बनाए, फिर इंजीनियर बनाए। क्या अगर डॉक्टर बनाना है तो एक अच्छा आदमी पहले चाहिए, फिर उसके बाद वो अच्छा डॉक्टर होगा। हम पहले डॉक्टर बना देते हैं, पहले इंजीनियर बना देते हैं, और ये सिखाते ही नहीं कि ईमानदारे इज्दा सर्वोपरि, यही है ग्रेट नीति। क्योंकि कोई नहीं नापेगा तुम्हारी इस नीति को, वो सांसों से नाप लेगा, तेरी सांसों की बात वहीं से कट देगा, और तू यहां नहीं वहां देगा अपना तकिया कलाम की, प्रभु मैंने गलती किया नहीं। यहाँ के लोगों को हम थक सकते हैं, यहाँ के लोगों को बरगला सकते हैं, यहाँ के लोगों के सामने हम नकली ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन उनकी नजरों से हम बच नहीं सकते। अब कहते हैं वो कहाँ देख रहा है, वो ऊपर बैठा है, ऊपर शायद भूल रहे हो, सांस चल रही है, वही तो चल रहा है, ये आंखें देख रही है, ये वही तो देख रहा है उस आंखों के पीछे, ये कान सुन रहे हैं। जो मेन अगर जो भी मैं अभी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ही कर रहे हैं। हर किसी के अंदर वो ही समाया है। अगर हम अच्छी ईमानदारी से, दया भाव से, करुणा से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देवता की लाइन में, और हम दुष्ट, बेईमानी, क्रोध, लालच ये सब लेकर के और कूटनीति आगे बढ़ते हैं तो हम ही है ना वो दुष्ट राक्षस जिसे पकड़ने के लिए हम सनातन से ढूंढ रहे हैं, और वो पकड़ में नहीं आ रहा। सामने है मेरे ढोंगियों और पाखंडियों का बीड़ा रखा है इन लोग। हम डॉक्टरों का एक षड्यंत्र, एक जाल चल रहा है, किसी भी बीमारी को टारगेट बना, पोलियो, शुगर को पोलियो जैसा बना दिया। शुगर तो सबको चाहिए, अब शुगर इतना ज्यादा वायलेंस से ऊपर या इससे नीचे जाने का मतलब है कि आप सजग नहीं है, लेकिन शुगर तो चाहिए। कोई के आके कहते कि शुगर खत्म हो जाएगा, मैं आपका दे, शुगर अगर खत्म हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको शुगर चाहिए, आपको बीपी चाहिए, और यही तो आपके करंट की 440 वोल्ट की तगड़ी प्रतिक्रिया करने का स्वरूप है। अगर शुगर ना हो तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो शुगर चाहिए, बैलेंस चाहिए। इसके लिए आपको सबसे बड़ा तरीका है शुगर को बैलेंस रखने का, हम धरती के पुतले, हम माटी के पुतले, अगर हम माटी से जुड़े रहें, अगर मेरी कदमताल रोज मॉर्निंग में 1000 से 2000 कदम रहती है कम से कम, तो ऑटोमेटिक शुगर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम 9 बजे 10 बजे तक अगर सोए रहते हैं, अपने मकान में ब्रश करते रहते हैं और 10 बजे पार्क आते हैं, तो हम शुगर की व्यवस्था खुद कर, फिर हम रिफाइंड से जुड़े हुए सामान बड़े प्रेम से खाते, मैदा से जुड़े हुए सामान बड़े प्रेम से खाते, और आज तो चाय, मट्ठी, ब्रेड और चाय बच्चों के हाथों में, फिर ये कोल्ड ड्रिंक बच्चों के हाथों में, ये सिगरेट बच्चों के हाथों में, ये सारी व्यवस्था, जितने भी विटामिन्स हैं फलों में, जितने भी ड्राई फ्रूट में, वो खाते तो हैं जरूर, लेकिन उसे वो कवर नहीं कर पाते, क्योंकि अदरवाइज चीजों खा करके उस विटामिन्स को वो बर्बाद कर देते। क्या बात, जरूरी है ये हम रिफाइंड से, मैदा से, चीनी से, नमक से, ये जो कि हम खा के देख चुके हैं, थोड़ा बचे। अगर आप कुछ जीना चाहते हैं आनंद मगन, तो रखे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्लियर, अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपके खून साफ नहीं हो सकते, और अगर आपका खून साफ नहीं होगा तो आपके कोई डिपार्टमेंट में करप्शन हमेशा छुपा रहेगा, आपके माइंड साफ नहीं है, आपका दिन साफ नहीं होगा। तो जरूरी है हमारी व्यवस्था को कि मैं पेट की ध्यान व्यवस्था बनाए रखूं, और ये सबसे बड़ी चीज है, खाना नहीं, पानी पीने का तरीका मुझे आना चाहिए। पानी हमेशा प्रेम से, जल ही जीवन है, कोई मेडिसिन, कोई पेय पदार्थ, चाहे वो रस हो, जूस हो, शराब हो, ये सारे के सारे कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन पानी अगर आपने प्रेम से पिया, पानी अगर प्रभु का जल जीवन मान के लिया, तो ऑटोमेटिक है कि आप सारे बीमारियों को यूं ही ध्वस्त कर सकते। तो बैठने का तरीका है, आप पानी बैठ के हमेशा उकड़ू व्यवस्था में पिए, अगर आप बैठ करके
पेट को दबा करके घुटनों से पानी पीते हैं सवेरे और ओवरलोड पीते हैं और फिर फ्रेश होने जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पेट की सारी सफाई फ्रीक्वेंस होगा हो जाएगी और यह इतना तत्कालिक तो नहीं लगेगा, एक दो दिन आपको लगेंगे कि व्यवस्था करवा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सजग व्यक्ति हैं जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हैं जो सवेरे सवेरे पानी नहीं पीते हैं। तो पानी नहीं पीने का यही मतलब है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। 70% पानी है हमारे शरीर में, तो शरीरों को बचाने के लिए मुझे पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी प्रेम से पीना चाहिए, पानी घूट घूट पीना चाहिए, बेधड़क पानी नहीं पीना चाहिए। कहा भी गया है कि भोजन को इतना चबाएं कि पानी बना दे, यानी भोजन को पियो और पानी को खाओ। तो अगर ये कहेंगे कि ये उल्टी बातें कैसे कर रहे हो, पानी को खाओ, खाना पड़ेगा। यही सीधी बात है। पानी को घूंट घूंट अगर आप लेते हैं तो आपके मुंह का लार उस पानी में कनेक्टेड होके आपके अंदर जाता है और वो पूरी तरह अंदर के डिजीज को डिस्ट्रॉय करने में माहिर होता है। और अगर आपका लार गुटखा खाके, पान खाके, तंबाकू खाके, थूक थूक के बाहर जाता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बूस्ट होती ही नहीं है। आपकी सारी वीकनेस स्थिति का यही जड़ है। आप असली विटामिन थूक थूक के निकाले जा रहे हैं। एक गुटखा खाने में आप कम से कम 25-50 ग्राम थूक देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये थूक आया कहाँ से? और जब गले सूखते हैं तो आप पानी खोजने लग जाते हैं और ये हमेशा जबड़ों को कमजोर कर, ये जबड़े आपके धीरे धीरे सिलेक्टेड नहीं रह पाते। हमें चबाना ही है तो बहुत कुछ चबाने के लिए है। भुने हुए चने चबाए, स्प्राउट चने चबाए, गाजर मूली चबाए, और भी कई चीजें हैं चबाने के लिए। आप सवेरे सवेरे चबाए, लेकिन आप क्या चबा रहे हैं? गुटका। अगर आप गुटका नहीं, मैं रजनीगंधा खाता हूँ। हाँ। तो रजनीगंधा का मतलब कदमों में दुनिया, बेवकूफी कर रहे हो, कदमों में स्वयं आ जाओगे। ये सारे एड देने वाले कलाकार ये विश्व को मेरे प्रधान में रखना चाहते हैं कि मैं मनाऊंगा ही नहीं, धर्म गुरु। और ये धर्माचार सब है, ये शिक्षा के स्तर। जब उन हीरो को, हाँ, उन बड़े बड़े ज्ञानवर्धक लोगों को नहीं पता है कि हम समाज में ड्रग्स की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहे हैं। सरकार को तो खैर बजट चाहिए, लेकिन पब्लिक में और जो समाज सुधारक हैं उनको तो सोचना चाहिए कि मुझे जनता चाहिए। नेता को पता नहीं कि जनता चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन समाज में रहने वाले के तो दिल में थोड़ा होना चाहिए कि मुझे ये पब्लिक चाहिए और इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निवेदन है कि अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखें। ज़्यादा ध्यान मकान बनाने में, दुकान सजाने में या फिर और कैरियर को बनाने में ना दें, अपने आप को बनाने में दें। जिस दिन आप स्वयं को बनाने में देते हैं आप दूसरों को भी बनाने का ठेका ले लेते हैं। क्या जिस दिन आप स्वयं समझने लग जाते हैं आप दूसरे को भी समझाने का जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे कलेक्टिव होना चाहिए, भोजन व्यवस्थित लेना चाहिए। दो बार भोजन से तीन बार नहीं करनी चाहिए। एक बार भोजन करने का मतलब है कि आप योगी हैं, आप जान चुके हैं कुछ। दो बार भोजन करने का मतलब है कि आप अभी भी भोगी हैं, अभी आपने उतना समझा। और तीन बार चार बार भोजन करने का मतलब आप टोटली रोगी हैं, आप अपने डिजीज का शिकार हैं। आप जरा समझें, सावधान हो जाएं। तो मैं ये पानी पिलाता हूँ और लोगों को पानी पिलाने का बहाना है, मुझे लोगों की आंखों में झांक के उसके गुणगान की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं जान लेता हूँ कि आगे वो सामना क्या करना चाहते हैं। जीने के लिए आप आनंद मगन, अब कल जिएंगे, परसों जिएंगे, आप कभी नहीं जिएंगे। अभी आज जीना है, अभी जीना है, क्योंकि सांस अभी चल रही है। आप कल की योजना बना रहे हैं तो आप कुछ भी ना पाएंगे। हकीकत में जीना है तो आज जीना सीखें, स्वस्थ रहना, मुस्कुराना सीखें। मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे छूटी ना हो। अगर मुस्कुराहट असली होगी तो ऑटोमेटिक डिजीज बैक्टीरिया आप पे हावी नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। साजन जी ने बिना मेरे प्रश्न पूछे जो मैं जानना चाहता था, क्या शायद उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और एक एक विषय को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया कि हमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, कैसे भोजन करना है, कैसे जल ग्रहण करना है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, खाने का समय क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद सृष्टि का कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई समुद्री जीव कुछ नहीं खाते हैं,
मनुष्य है जो हर समय चढ़ता रहता है और इसलिए बीमार होता है। पशु पंछी सूर्योदय भगवान के साथ जग जाते हैं। बिल्कुल। और हम मनुष्य सूर्योदय भगवान को छोड़ देते हैं। हमने जल ढालने की वो परंपरा को तोड़ दिया। बिल्कुल। जल ढालने का मतलब ये नहीं होता है कि धार्मिक होना। हाँ। जल ढालने का मतलब है कि आप सूर्य से कनेक्टेड होते हैं। यस। और उनकी एक्टिविटीज आपसे जो जुड़ती है तो आप पांच तत्व के पुतले, हम जो पांच तत्व के पुतले हैं तो ऑटोमेटिक सूर्य भगवान हम पर बरस पड़ते हैं। बिल्कुल। और मेरी जो भी परेशानी है, मेरी जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी मेरी जलधार में उड़ा ले जाते हैं। लेकिन जल तभी चढ़ाएंगे आप जब आप स्नान करेंगे। बिना स्नान के जल नहीं चढ़ा सकते। तो खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहाना यानी स्नान करना आवश्यक है। अगर आप स्नान करते हैं तो हर चीज क्लीन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजन जी, मुझे केवल बताइए कि ये भाव कब आपके मन में आया कि मुझे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक भगवान की रसोई की चीज़ों को आप अपने इस मिक्सर में करके और उनको पिलाते हैं? बहुत सारी बातों को इसमें आयुर्वेद में जुड़ने से तो मुझे 15-20 साल लगभग हो गए जी। तो 20 साल पहले मैं इससे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था जी जी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ लगता था कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं, मेरे भी खाने पीने के तरीके बड़े अजीब भी थे। हाँ। तो कभी मन फ्रेश हो, कभी मन अनचेंज्ड हो, कभी ऐसा लगे कभी वैसा लगे। तो ये सारी व्यवस्था जब गड़बड़ होने लगी तो मैंने सोचा आखिर होता क्या है। हाँ। तो किसी ने राय दी कि आयुर्वेद से जुड़े और निरोग रहे तो हम भी जुड़े। पहले हम जुड़े और हमने उसकी व्यवस्था को अपने ऊपर डाली। हाँ। और आज पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। मैं रोज ड्यूटी करता हूँ, मैं कोई छुट्टी नहीं लेता हूँ। लोग कहते हैं छुट्टी क्यों नहीं, छुट्टी किस बात की? सांसों की छुट्टी होती नहीं, दिल के धड़कने की छुट्टी होती नहीं है। आपके सोचने की छुट्टी होती नहीं है। आपके खाने पीने मौज उड़ाने की छुट्टी होती नहीं है। छुट्टी किस बात की? ठीक बात है। तो छुट्टी एक बहाना है। हाँ। छुट्टी के पीछे आड़ में हम आलस्य को बढ़ावा देते हैं। हम आलसी ना बने, हम अपने काम को ही प्रेम से उसमें इन्वॉल्व रह के उसे प्ले समझे। हम थक तभी जाते हैं जब हम काम को काम समझते हैं। अगर हम काम को प्ले समझे, रिता मेरे लिए खेल है, तो थकान हमारे या आपके किसी के भी चेहरे पे नहीं आ सकती। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इसके लिए आपने इसको कुछ पढ़ाई की या किसी गुरुओं से सीखा? तो मैं वैसे ही ग्रेजुएट हूँ, मैं पहले से स्टडी किया हुआ। अच्छा, आयुर्वेद के बारे में? हाँ, आयुर्वेद में भी बहुत सारे बात में जब मैं 15-20 साल इन्वॉल्व हूँ। हाँ। तो मैंने बहुत सारा ज्ञान मनन गणन किया। केवल एक मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए आप एक मूल मंत्र क्या देते हैं, आपके पास आके ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या वो पूरी अपनी दिनचर्या कैसी रखें, इसके बारे में भी उनको बताते हैं कुछ? नहीं, शॉर्ट में तो मैं इतना ही दिनचर्या कि आप अपने मन को निर्मल रखने की सोचे, आप शरीर को निर्मल रखने की ना सोचे। अगर आप शरीर को साबुन से रगड़ रगड़ के निर्मल बनाने के फेर में दिमाग लगा रहे हैं तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। मन को निर्मल करें, मन मेरा निर्मल हो जाए तो ऑटोमेटिक शरीर भी निर्मल करने के लिए हम सोच लेंगे। तो हमारी व्यवस्था सवेरे जग करके पानी पीने की, मॉर्निंग वॉक करने की, और चाय चुकर ना पी के प्रभु भजन या योगासन या थोड़ा एक्सरसाइज, क्योंकि जीने के लिए तीन ही चीज जरूरत है। हाँ। भोजन, निद्रा और एक्सरसाइज। और अगर हम ये काम नहीं करते तो मामूली वॉकिंग भी तो कर सकते हैं। वॉकिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा टहल भी तो सकते हैं। लेकिन जब भी आप करें वो रन करें, कुछ करें, अपने ब्रीदिंग पावर को चौचित में चलाएं। जितने ही आप सोर्सेस में अपने ब्रीदिंग पावर को चलाते हैं, आपके फेफड़े जितना पंप करते हैं उतना ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप में हार्ट फेल की संभावना, अरे जाने दे ये हार्ट फेल नहीं। और अक्सर हार्ट फेल बेईमानों को आती है, ईमानदारों को नहीं। क्या बात है। क्योंकि कुछ छुपा रखा है तो शायद आप खतरे की घंटी सुन ले। अगर आपने कुछ छुपाया ही नहीं है तो प्रभु जब चाहेंगे तब ले जाएंगे आप। बहुत सुंदर जी, साजन जी से इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरे चैनल के माध्यम से सुनने को मिली हैं। आज ये सचमुच में इतने अच्छे मूड में थे जो इन्होंने बोला। मुझे सुबह मना कर दिया था कि अभी काम है, इसमें कोई बातचीत नहीं करूँगा, मैं इनके इंतज़ार करता रहा और सचमुच में इंतज़ार का फल कितना मीठा होता है। आप सब इस स्टोरी को देखेंगे, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर लिखिए, और साजन जी ने जो जो बताया इसको अपने जीवन में ढालें तो आप सचमुच में स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे और बिना किसी कष्ट के आप प्रभु के पास जा सकते हैं।
जीवन बहुत सरल है। कोई दिनचर्या ना बनाए, कोई दिनचर्या ना बनाए, जटल भोगे नहीं, प्रसाद स्वरूप ले, जो भी चीज यूज करें प्रसाद समझ के खाएं, ना भोगे। भोगने का मतलब है आप फंस गए, और फंसने का मतलब है आप डिजीज के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है प्रसाद ले, आप आयुष्मान भवों में रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी दीर्घायु हो, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ज्यादा जीने, ये भी मैं कहूंगा, ज्यादा लटक लटक के जीने से क्या फायदा। जितना जीवन आपको मिला है वो स्वस्थ रूप से जिए, किसी के सहायता की जरूरत ना पड़े, ऐसा बन के रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।